गोरखपुर के कलेक्ट्रेट में एसडीएम कोर्ट को बंद किए जाने के विरोध में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने सोमवार को पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सरकारी विभागों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस, बुलेखागार कार्यालय सहित अन्य कार्यालय शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रत्येक माह के दो सोमवार को सभी तहसीलों के एसडीएम जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट में बैठकर मुकदमों का निस्तारण करते थे, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिससे वादकारियों को दिक्कत उठानी पड़ेगी। प्रदर्शन के बाद गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी अटल ने कहा, देखें उप जिलाधिकारीगण तहसीलों से हर सोमवार को आकर के जिला मुख्यालय पर न्यायिक कार्य किया करते थे। यह परंपरा कम से कम 40-45 वर्षों से अनवरत जारी है। पहले तो दो दिन बैठते थे, बाद में एक दिन सोमवार को आने लगे। उसके बाद 2018 में एक स्थिति आई और हमारे जो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हैं, इन्होंने उप जिलाधिकारी गण का मुख्यालय पर आकर न्यायिक काम करना बंद कर दिया। इसके विरुद्ध एक आंदोलन हुआ और अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई, जिसमें नगर विधायक माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी उपस्थित थे, और उस वार्ता के बाद यह तय हुआ कि महीने में दो दिन दोपहर बाद, ताकि जन सुनवाई भी प्रभावित न हो, आ करके यहाँ वो न्यायिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि जिलाधिकारी महोदय ने उस वार्ता से अलग हट करके यह अपने आदेश पत्र में लिखा, जो हमें सूचना दी, उसमें कहा कि यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए है, जबकि वार्ता के दौरान कहीं ऐसा नहीं आया था। मैं जिलाधिकारी महोदय पर अपना अलग रवैया अख्तियार करने का आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ कि उन्होंने वार्ता का उल्लंघन किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष तय हुआ। अब इसके बाद जो है उप जिला अधिकारियों का आना बंद हो गया, मुख्यालय पर उनका न्यायिक कार्य करना बंद हो गया। इतना ही नहीं, कोई अभी हमें सूचना लिखित उन्होंने नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने कहा एक वर्ष रहेंगे, लेकिन यह लिखित सूचना नहीं दिया कि अब नहीं आएंगे, और उनका आना बंद हो गया। वो फाइल गट्ठर बना करके यहाँ से उठा ले गए। क्यों उनका आना जायज है, आवश्यक है, जरूरी है, न्याय हित में, जनहित में, यह मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ऐसे गांव देहात के लोग जिनकी संख्या 20-30% तक है, शहरों में आकर बस गए हैं, गांव में उनकी खेती बाड़ी मौजूद है, वो गांव में मुकदमा जाकर तहसील पर यहाँ से लड़ना नहीं चाहते। गांव में चूँकि गांव छोड़ चुके हैं, इस नाते उनकी पकड़ नहीं है, तो वो तहसीलों पर जो आज दबंगई चलती है उससे भी डरते हैं। उनको अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ मुख्यालय पर मिलते हैं, जो तहसीलों में नहीं मिलेंगे। इस नाते न्याय हित में और जनहित में उनका मुख्यालय पर आकर कार्य करना जरूरी है, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात है, आप लोग जानते होंगे, 198A का मामला चलता है, जिसमें सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी, APO जिसको कल कहते हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी आ करके जो है वो सरकार की ओर से पैरवी करते हैं, उसमें सजा का विधान है। तहसीलों पर APO अवेलेबल नहीं है, वो नहीं रहते हैं, उन मुकदमों का आप क्या करोगे? क्या सीधे सबको सजा करते जाओगे? न्याय कहाँ से मिलेगी जो पीड़ित है उसको? पीड़ित व्यक्ति जो है यहाँ संपूर्ण न्याय पाता है, सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजस्व,
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजस्व, APO, जरूरत पड़ने पर PO, ये सब यहाँ उपलब्ध होते हैं और तहसीलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस नाते न्याय हित और जनहित में उपजिलाधिकारी गण का जिला मुख्यालय पर आकर के एक दिन न्यायिक कार्यों का निष्पादन, ऐसे मुकदमे जो वादी स्वेच्छा बिना किसी दबाव के, कोई अधिवक्ता किसी को बुलाने नहीं जाता कि आओ तेरा मुकदमा मैं करूँगा, स्वेच्छा पूर्वक आता है, वह मुख्यालय पर लड़ना चाहता है, मुकदमा दाखिल करता है और वही मुकदमे खाली मुख्यालय पर देखे जाते हैं, जो तहसीलों में दाखिल होते हैं वो नहीं यहाँ आते हैं। तो ऐसे में वादकारी के साथ छलावा हो रहा है, पीड़ित के साथ अन्याय की पूरी व्यवस्था हो रही है, APO मिलेगा नहीं, 198A के मुकदमे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, या तो ये अधिकारी लोग मनमाने ढंग से जो चाहें सो करें, ऐसी एक तरह की अघोषित छूट इनको मिलती जा रही है। हम चाहते हैं कानून का शासन हो, न्याय का शासन हो, आप आइए, ऐसे मुकदमे जिसमें आवश्यकता है APO's की, जिसमें वादी जो स्वेच्छा यहाँ मुख्यालय पर मुकदमा लड़ना चाहता है वो अपना मुकदमा मुख्यालय पर लड़ सके, इसको लेकर के हम आंदोलनरत हैं। हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया लेकिन वो अपने हठीले रवैये पर कायम हैं। हमने माननीय मंडलायुक्त महोदय को भी अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, जिस जनहित के लिए, जिस न्याय के लिए सरकार कहती है, सरकार की मंशा है, उसके लिए यह मांग कर रहे हैं। हमने मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर भी अपना ज्ञापन भेजा हुआ है, हालांकि अभी तक कोई जवाब हमको नहीं मिला है। ऐसी सूरत में यह अधिवक्ता समुदाय आंदोलित है, आक्रोशित है और कहीं न कहीं पीड़ित भी महसूस कर रहा है। आज हाँ बोला, आज मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं की जायज मांग है, अगर यह मानी नहीं गई तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, फैलेगा और जो भी परिणाम होंगे उसके लिए हमारे माननीय जिलाधिकारी और उनका अपना अड़ियल रवैया जिम्मेदार होगा। मेरा आंदोलन, हम 27 तारीख से आंदोलनरत हैं, बहिष्कार पर हैं, यह आंदोलन का आज से दूसरा चरण शुरू हुआ है। दूसरे चरण में आज हमने संपूर्ण बंदी, कलम बंदी का आह्वान किया था, जिस पर हम काम कर रहे हैं। आज संपूर्ण रूप से अधिवक्ताओं के द्वारा सारे कार्य बंद किए गए हैं और आज हमारे समर्थन में सिविल कोर्ट गोरखपुर, कमिश्नर्स कोर्ट गोरखपुर सब ने हमारी मांगों का समर्थन किया है और काम बंद करने के साथ ही साथ सब ने मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है कि जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की जायज मांग है, इसे मान लिया जाना न्याय हित और जनहित में आवश्यक है, यह ज्ञापन लोगों ने दिया है।